तो आज हमारे जितने भी पार्षदगण थे उन सभी के साथ एक छोटा सा मीटिंग हुआ। मेरा बाबू बोले, उन्होंने आश्वासन दिए कि हमने चिट्ठी जारी कर दिया है उसके खिलाफ, लेकिन उनके नीचे जो उनके टेबल के नीचे जो लोग हैं करप्ट, वो लोग हैं। सिस्टमेटिक ढंग से एक लेटर निकलवा दीजिए, सभी जगह चिपकवा दीजिए। आधार कार्ड में कार्रवाई हुई? आधार कार्ड में बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है। आगे से इस प्रकार की कोई मैसेज किसी को नहीं मिलेगा कि कोई पैसा मांग रहा है। अगर पैसा मांगने वाली बात फिर से दोबारा आती है तो इस बार इस प्रकार नहीं, इस बार पूरे ब्लॉक में धरना प्रदर्शन होगी। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के। कांटी प्रखंड मुख्यालय में बीते दिनों वार्ड पार्षद नाथू पासवान के साथ आधार कार्ड काउंटर पर दुर्व्यवहार हुआ, जिसके बाद से लगातार जो है वार्ड संघ के अध्यक्ष हमारे साथ आनंद राज है बातचीत करने के लिए, और लगातार जो है इसको लेकर जो है काफ़ी सियासत काफ़ी तेज है। ऐसे में जनप्रतिनिधि के साथ जो है गलत बर्ताव किया जा रहा है, ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं नाथू जी पर जो है इतना बड़ा जो है इनके साथ मारपीट किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया, इसको लेकर वार्ड संघ क्या सोचता है? देखिए, सबसे पहले तो जो भी पदाधिकारी थे उनको इस तरह से मतलब दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाथू जी हमारे एक बहुत अच्छे पार्षद हैं, हमारे नगर परिषद के बहुत अच्छे मतलब एक अंग हैं। अगर वो आरटीपीएस काउंटर पर किसी समस्या को लेकर के गए हैं तो कहीं ना कहीं आरटीपीएस काउंटर वाले में कोई प्रॉब्लम रही होगी जो उस पर वो नज़र नहीं दे रहे होंगे। उनको समझाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ क्या सीन हुआ कि आधार कार्ड के लिए हमें पैसा चाहिए। अब नाथू जी जैसे ईमानदार लोग, वो तो पैसा देकर के काम करवाएंगे नहीं। अब थोड़ी सी उधर से बदतमीजी हुई और वहाँ जो भी जनता लोग खड़े थे वो टॉक हॉट टॉक कर लिए, और कल जो भी ये समस्या हुई है ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे कुछ माननीय पार्षद लोग वीडियो साहब से बात किए, वीडियो साहब ने आश्वासन दिए कि जो हमारे आरटीपीएस काउंटर पे जो भी हैं उनको अविलंब यहाँ से हटा करके दूसरे किसी को लाया जाएगा। तो आज हमारे जितने भी पार्षदगण थे उन सभी के साथ एक छोटा सा मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद में हम लोगों ने वीडियो साहब के चैम्बर में गए तो आज उनकी उपस्थिति नहीं थी। फिर उसके बाद वहाँ पर बड़ा बाबू बोले, उन्होंने आश्वासन दिए कि हमने चिट्ठी जारी कर दिया है उसके खिलाफ, और ये जो दुर्व्यवहार हुआ है हम उसके लिए क्षमा प्राप्ति है कि आगे से इस प्रकार के किसी पार्षदों के साथ नहीं होगी। और दूसरी चीज़, कोई भी जनता अगर यहाँ आती है अपने काम के लिए उसके साथ एकदम एक अच्छे दृष्टिकोण से उसका काम किया जाएगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव पैसा कौड़ी की कोई बात नहीं होगी। और उन्होंने अपने साथ आरटीपीएस काउंटर पर सभी हमारे पार्षद गण को लेकर के गए और वहां रूबरू करवाया कि ये हमारे माननीय पार्षद लोग हैं, अगर ये आपके तक आते हैं तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी त्रुटि है, तभी कोई पार्षद हम तक पहुंच रही है कोई समस्या लेकर के। तो आगे से इस प्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ होती है तो ठोस से ठोस कदम उठाई जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग सीओ ऑफिस में गए हैं, वहाँ कर्मचारियों के ऊपर बहुत सारी शिकायत थी कि कर्मचारी लोग जमाबंदी फुटकाने के लिए 50,000 एक एक लाख रुपये का डिमांड करते हैं, गरीब लोग हैं, गरीब तबका के लोग सही से वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, गरीब क्यों सीओ ऑफिस में आते हैं, हल्का पे कर्मचारी को नहीं बैठने, उनके अनुपस्थिति के कारण जनता सीओ ऑफिस में पहुँचती है। तो हम यही सीओ मैडम से कहना चाहेंगे, वहाँ के बड़ा बाबू भी वो आश्वस्त किए हैं कि आगे से इस प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। जितने भी सीओ नगर पर कांटी में जितने भी सीओ हैं उनका एक भी नंबर नहीं लगता है, सिर्फ उनका दलाल का नंबर लगता है, उनका जितना भी अटर्नी है वही हल्का पे बैठते हैं। सीओ साहब पैसा का खेल? बिल्कुल 200% पैसा का खेल है। अभी तो सीओ मैम नया आई है, वो अच्छा काम कर रही है, उनसे उम्मीद है कि वो ऐसी अग्रसर आगे बहुत अच्छा काम करती रही, उनसे बहुत सारी उम्मीद है जनता का और प्रतिनिधि का भी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा काम करें, लेकिन उनके नीचे जो उनके टेबल के नीचे जो लोग हैं करप्ट, वो लोग हैं। अब कहीं ना कहीं अगर ये टेबल के नीचे वाले लोग पैसा लेंगे तो मैसेज क्या जाएगा कि सीओ मैडम ले रही है। अब इतने अच्छे छवि के साथ मैडम यहाँ आई है तो हम मैडम से यही गुजारिश करेंगे कि मैडम आप अपने नीचे का जितना भी आपका कर्मचारी लोग हैं उन पर विशेष नज़र रखिए, और गरीब तक सही से उसका काम हो, उसका दाखिल खारिज हो, जमाबंदी फुटकवाना हो, या फिर उसका क्या बोलते हैं परिमार्जन हो, इन सभी बिंदियों को अच्छे से काम हो, आपका जो भी हल्का कर्मचारी है वो अपने हल्का पे बैठे, आप एकदम सिस्टमेटिक ढंग से एक लेटर निकलवा दीजिए, सभी जगह चिपकवा दीजिए, आदमी जाए तो पढ़े और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करें। आधार कार्ड में कार्रवाई हुई? आधार कार्ड में बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है। आगे से इस प्रकार की कोई मैसेज किसी को नहीं मिलेगा कि कोई पैसा मांग रहा है। अगर पैसा मांगने वाली बात फिर से दोबारा आती है तो इस बार इस प्रकार नहीं, इस बार पूरे ब्लॉक में धरना प्रदर्शन होगी और सभी सरकारी कार्य को बाधित कर दिया जाएगा। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए वार्ड संघ के अध्यक्ष आनंद राज थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल जो है नाथू पासवान के साथ जो घटना हुई है, जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसको लेकर जो है कार्रवाई की गई है। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट देखने के लिए प्रकाशन लाइव पे बने रहे ताकि हर एक खबर आपको मिलता रहे। तब तक ले आ दीजिए, जय हिंद जय भारत।